हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? लिया भाई मैं इब उठी हूँ, ठीक है। चाय पानी पीऊंगी, फिर नहाऊं धोऊंगी, ठीक है। पवित्र ने चाय बना कर दी है, इब उठाई थी। हाँ, पवित्र का तो डेली का ही हो रहा है कि एक रुपये इतनी चाय बिना मजा नहीं आता। गया, चाय दे गया, मेरी चाय बना ले आया है। एक बार पवित्र के हाथ की चाह मिल जाए ना, फिर उठना मन कर जाए, काम करना मन कर जाए। एक चाह पी के नहा धो के ज्योत बत्ती का निमटाऊंगी, अपना पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद हमें फिर देखेंगे मम्मी बेटा क्या करते हैं। प्रिंस स्कूल में चला गया है, पवित्र यहीं पे है। आज तू छोड़ का आया था? आज तू छोड़ का आया है? आज फिर पवित्र छोड़ का आया है। फूल अड़े थे, पूजा के फूल खत्म हो गए थे, तो इसलिए प्रिंस ने पवित्र छोड़ कर फिर अपना पूजा के फूल लेकर फिर घर पे आया है। तो ओके गाइज, फिर मिलते हैं। चाय पी लो आप भी सभी। नमस्कार, बाय, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइज, घर पे बना लिया है नोनी घी। शाम ने जमाया था हमने एक कटोरी, तो ज़्यादा मेरी मड़ाई हो रही थी तो कल जमाई थी। अब घी निकाल लेंगे, घर का हो जाएगा नोनी घी। मक्खन पवित्र आई, एक बार या वायर ना काट यार, मैं यार ही साफ करने लग गई। आइए लाडू। अरे मेरे हाथ घी में हो रहे बेटा। बेटा काटियो, ध्यान ना रहा वायर काटने। तेरा बना दिया है मैंने नूनी की रोटी पे धरिए आराम तक करती। लेरिस ने ना समझ दे ले, फिर चार्जिंग के में ज्यादा हो जाएगी इसकी। हाँ, बुढ़ी शक्ल का मुंडे थोबड़े का चिचड़ सा, जो सारे दिन मेरी गेला नू माथा मारता रहेगा। बताई थी ना मैंने आते, कल का इसका पेपर कल चला जाएगा, कल फिर मैं इकली हो जाऊंगी। बस एक बार घी काट के ना फिर ना दो आवेंगे अपने, फिर अपनी पूजा पाठ निपटा लेंगे। तो रही तो कर दी साफ, और ये दिखा दो आपने लोनी में। ये हो गया मक्खन, अब निकाल लेते हैं। फिर मेरा चटोरा बिट्टा खा लेगा मक्खन, बड्डे का तो भी लड़ा है वो तो ना। मम्मी घी ना दरिए मेरी रोटी आप है। कई दिन हो गए थे ताया उड़ खा खा, पवित्र तो बोर हो लिया था। आ जाओगे पवित्र का सही मजा। ये भी इसने किसी सब्जी की क्या की जरूरत नहीं, बस लूणी घी दर के दे दो, फिर खुश होकर रोटी खा लेगा। हमारी मम्मी बेटा की लस्सी भी बन गई और हमारा लूणी घी भी तैयार हो गया। 3-4 दिन का खटकर साहब तो देखो, यू कह रहे थे इब्बा कोई बेरा नहीं, कई दिन में होगा, आ जाएंगे आराम से। उनके बैंक की इतनी घटिया सर्विस तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और बेरा की आफत कर रही है। ले है तू, तीसरे दिन का काम हो रहा, पति तीसरे दिन का
नौ बार तक मैं कापी पूरी करा के लिया ना, जब 10 दिन के भीतर 9 बार 290 रुपये काट रखे। मैं कापी पूरी करवा का आए पाँच 6 घंटे के पीछे फिर खटखड़ साहब ने फोन करा, बोला जी फिर दोस्त एक बार फटाफट ये तो मेरा हो गया है। पवित्रे आइयो बेटा ले आ लस्सी रख दो फ्रिज में। अरे हाँ बेटा आ जाना प्लीज, आइयो मेरी लाडो ले बोले दुखी करण ताई है मेरा लाडू, मैं तो एक आधा काम करवा लू हूँ दुखी थोड़ी करूँ हूँ। ये बन गई है एक जग लस्सी और ये हो गया है हमारा मक्खन तैयार। तो अब ठीक है मक्खन हो गया 4-5 दिन का हमारा मम्मी बेटा का, और लस्सी हमारी दोपहर तक की एक जग बरगी है। चलो ठीक है गाइज, अब मैं बाकी और काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। ओके बाय। हेलो गाइज, बर्तन साफ कर दिए थे, गैस साफ कर दी, किचन साफ हो गया है और अब हो गया है पूजा का टाइम, और पहले मंदिर की साफ सफाई कर लूँ। फिर क्या कर रहा बेटा, धूप लगा रहा पवित्र धूप सेक रहा है, और मैं एक बार अपनी पहले मंदिर में साफ कर लेती हूँ, नहा ली थी सिर धो लिया था, बाल मेरे सूख गए हैं, और अभी चलो पहले मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं फिर पूजा करेंगे, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। तो गाइज अब मेरा पूजा का भी निपट गया है, और पवित्र बैंक की पासबुक निकाल रहा है, और एक बार फिर से बैंक में जाना पड़ेगा खटखड़ साहब का वो नंबर चेंज करवा करना अकाउंट में। तुलसी मैया की भी पूजा निपटा दी है, और बस पवित्र स्कूटी निकाल देगा और मैं और पवित्र आज दोनों जहाँ हैं दोनों का पी ना बेटा ये दोनों। ओके एक बार बजाज फाइनेंस में जा कर आओगे, क्योंकि वे ले हैं उनका 1 महीने के अंदर, ये लगा लो कि 10 बार 295 काटे हैं, तो उनका भी जवाब लेके आऊँगी, और कर्नाटका बैंक में जा के आवे हैं। मम्मी बेटा कुछ हेल्प होगी तो, क्योंकि मेरे को फ़ोन का ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसमें क्या करना के ना, फोन पे गूगल पे सब पवित्र चला करें, तो इसने साथ में लेके आऊँ, इसने समझ में आ जाएगा मेरे अकाउंट में भी मतलब कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, तो वे तो कर्नाटका वाले तो जाते हैं के साथ बता देंगे समझा देंगे, पर मेरे थोड़ा कम समझवाओ था इसलिए पवित्र का ज़्यादा समझवाओ इसने लेके जाऊँ। ओके गाइज फिर मिलते हैं आपसे बाय। आया दिखा आज पवित्र भेजा था एक बार फिर कॉपी मशीन में देने के लिए। अच्छा बैंक ऑफ इंडिया सब्जी का बैंक, और ये भी एक बार चलते हैं बजाज फैली ये उन जा कर दिखावाएंगे, और जाके दिखाती हूँ फिर वो करती हूँ इस हाथ में ले ले तो फिर उठ जाता फिर 2 मिनट का काम है। ओके बाय कर। तो गाइज अब जा रहे हैं बजाज फाइनेंस वालों के पास में, तो ये 2nd फ्लोर पे हैं, लेते हैं अब इनसे जवाब क्या तमाशा बना रखे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी किसी भी मजबूरी हो बजाज फाइनेंस से तो लोन लेना ही नहीं। तो फाइनली पहुँच गए हैं बजाज फाइनेंस, तो फिर उसके बाद में फिर मिलती हूँ आपसे। ओके बाय। ये ताऊ जी हैं अमरूद वाले गवाना अड्डा से, मैं इन्हीं से लेती हूँ। चढ़ा दो ताऊ आप पर चढ़ा दो, आपने बेरा सारी आना पर लेकर जाऊँ हूँ। हाँ खुले ताऊ दे देगा है ना, ना जुकर थोड़े से नरम चढ़ाता ही कुछ है ताऊ जी। ठीक है दे दे ताऊ ने दे दे तू 100 का 200 का आप खुले दे देगा। अमरूद ले लिए हैं और ये पवित्र ले क्या होगा मरिंडा, और अपने लिए तू के पीवेगा रोन दे ले ले खुले दे दो ताऊ वो खुले ले हुए हैं तो 100 के लिए ना अमरूद के लिए हाँ खुले ले ले
बस उनको 50 के तो खुले देगा। तो ये पवित्र लेने गया मरिंडा, ये रेगुलर आओगा तो भाई बात है, हम दोनों मम्मी बेटा और कुछ ना खाया पिया अगर बाजार में, बस एक एक गिलास मरिंडा का पी गए, ये अपनी पसंद का, मेरा मेरी पसंद है मरिंडा। ये फिर इधर से गवाना अड्डा से सीधा किला रोड की तरफ चली जाती है गली, और यहाँ से थोड़ा सा चल के ही हमारे चप्पल जूते वाली शॉप है जहाँ से हम खरीदते हैं। और अब पवित्र ले आया है, लिया कदी नू पूरे वड़े बैठा बैठा खड़ा खड़ा मजे लिए जाओगा। दोनों की मरिंडा आज लेके आया पवित्र, दोनों के लिए मरिंडा, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो आप सब भी पी लो और मैं भी पी लेती हूँ। ओए होए एक घुट भर ले, इतना फुल है। तो भाई फिर मिलते हैं आपको के बाय घर जाके। चल पड़ा चट्टू नमकीन लेन, एक नमकीन लेके आओ चटोरा, यो लेके आना मैंने बहुत महंगा पड़ जा है। पहला ठंडा पी का आया, हाँ जादू अरे देख फिर नू कहेगा मम्मी की चीज दिवाओ आप, देख लो कल भी साफ नाट गया था और आज भी लेन लाग रहा है और फिर नाट जाएगा चटोरा। सारा में छोटा है ना, एक डिमांड भी सारा में फालतू चल ले जाओ। ये बागे है सुखपुरा चौक पे, फिर अपने जरा सीधे बाग लेंगे, फिर प्रिंस ने लेने जागा आधा घंटा में रेस्ट करके ले आया। चल दारू पियो अंदर, देख लो देख लो के कह रहा है, चखड़ा लिया इसी का सारे पैग कोई नहीं मरिंडा दीवा तो चल। ये चल पड़े घर के लिए, अच्छा जो काम था सारा निपटा दिया है, अपना पा लिया है वो भी लेगा ना प्रेम। हाँ वो तो बताऊँ वहाँ तेरे को इतने में थोड़ा आराम कर करके प्रेम से ले आना। अरे लग जा लग जा लग जा, जागे थे घर पे और इब थोड़ी सी भुखड़ की नमकीन, मैं तो नमकीन लूँगी, क्या बज गया 1:30 बज गया, आधा पौना घंटा और वो आराम कर लेगा, फिर प्रिंस ने लेने जाएगा, उसके बाद मैं फिर देखते हैं आ गया। चलो ठीक है थोड़ा आराम कर लेती हूँ और अब मैं फिर बाद में मिलते हैं, देखते हैं शाम को क्या करेंगे क्या नहीं। प्रिंस आने के बाद में ये भी थोड़ी आड़ देख रहा था शांत रहेगा, क्योंकि इसने बाहर घुमा के लिया हूँ धक्के खुमा के लिया हूँ, तो थोड़ी आड़ ही मेरा दिमाग नहीं खागा, इतना मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। फिर ये दोनों आए बाद ताप तो दिखाई थी मैंने कई दिन हो लिए जब इनकी किच किचर फाइट, फिर तो यू देखते ना फिर तो इन सोचे अगर मैं छोटा सा बालक है ना कि मम्मी हाँ इसके पापा होंगे ना जब ना करेंगे इतनी शरारत। तो चलो गाइज फिर मिलते हैं आपसे, ओके बाय। तो गाइज अमरूद खा लो, तू के खाओ भाई अंगूर, ये लग रहा है अंगूर खान पवित्र छोरा। ओके बाय फिर मिलते हैं, आज मैं लेके आई थी अमरूद। क्या कर रहे हैं दी? हेलो क्या कर रहे हो, थ्रेड कर रहे हो? चलो इनको नहीं दिखाती हूँ मैं। और ये है दी का पार्लर, अंशु पार्लर,
और एड्रेस दीदी बता देंगे, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं सुखपुरा चौक से थ्रेड करवाने के लिए वैक्स वगैरह सभी दीदी के पास आती हूँ। इनको टाइम नहीं होगा तो मैं वापस चले जाती हूँ, मगर मैं करवाती नहीं हूँ इनके बगैर, क्योंकि मेरे को इन्हीं की पसंद आती है सबसे ज़्यादा। तो एड्रेस दीदी बता देंगे, नहीं तो कार्ड होगा ना दी आपका? हाँ है, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, आप कॉल भी कर लेना और आपको एड्रेस का भी पता चल जाएगा। कहाँ पे है दी? देखने इसमें पाऊंगी, इस छबड़ी में, इसमें है ना दी? इसमें हाँ, उसमें 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 आपने तेरे सामने बिल्कुल नहीं, उल्लू किसका देगी? ये रखे हाँ, हो गया। सच में मैं आंख बंद करी बैठी हूँ, सब बंद देता हूँ। ये दीदी का कार्ड है, आप देख सकते हो, इसमें मोबाइल नंबर भी है और पूरा एड्रेस भी है, आपको जिसको भी आना है। ब्राइडल भी तैयार करते हैं और पार्लर का हर काम, और अच्छा और सस्ता भी अपने हिसाब से। सस्ता तो नहीं पाओगा मेरा? नहीं नहीं, और ना देखिए काफ़ी सस्ता है दी, ठीक है, काम जितना बेस्ट है ना उस हिसाब से। अगर आप जाओगे किला रोड पर वहाँ पर, तो उस हिसाब से डबल पैसे लें वो वहाँ पर, और जैसा किला रोड पर बड़ी बड़ी वो दिखाते हैं ना पार्लर वाले, उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं मेरी दी, इसीलिए मैं यहाँ पे ही आती हूँ। और मैंने भी कई ब्राइडल तैयार करवाए हैं दीदी से, मैं खुद तीन बार मेकअप, और मेरी गुड़िया भी दो तीन बार मेकअप करवा चुके हैं दीदी से, और अब थ्रेड बनवाएंगे ये, ठीक है। ओके बाय गाइज, फिर मिलते हैं। तो गाइज दीदी की कटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, पूरी होने के बाद हम आपको पूरा लुक दिखाएंगे इनका, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। दीदी स्माइल प्लीज़। ओके बाय बाय। ये है दीदी की फाइनल कटिंग, कैसी लग रही दीदी आपको? सॉरी कैसे लग रहे, खुश हो? हाँ तो अपने रिव्यू बताओ सबको। मेरी कटिंग बहुत अच्छी हुई है, और मैंने फर्स्ट टाइम इनसे कटिंग करवाई है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं बहुत डर रही थी हेयर कट कराते टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कैसी होगी, अच्छी नहीं हुई तो कैसी होगी। हालांकि मेरे बाल बहुत शॉर्ट लेंथ थे, लेकिन इन्होंने मेरी लेंथ को देखते हुए मेरी, मतलब जो मैं चाहती थी कि मेरी लेंथ कट ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेरा हेयर कट किया, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एंड दिस इज द फाइनल लुक। बाय बाय। हेलो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। ओके बाय।